ते जनाब असा सारे देखो मेरा मतलब सब की तरफ से जनाब जुनेद साहब ना मेरा शहजादा ज़हीर अब्बास की तरफ से सब की तरफ से जनाब अल्लाह हैप्पी न्यू ईयर और नवे साल दी बहुत बहुत मुबारक सारे शहजादे बब्बर शेरजी ते जींदे वसदे रहो। हाँ जी दोस्तों, तो सरकार आर्डर लटकाए हुए हैं और ये शहजादा बब्बर शेर जी था मुझे मिल गया। मैंने कहा मेरी वीडियो बनाओ, आवाम को पता चले कि हमने साल के पहले दिन के पहले आर्डर कैसे उठा कर जा रहे हैं। और थोड़े से साइड पर हो जाए जनाब, क्योंकि आवाम भी आ रही है रस्ते में और इनको भी हमने रास्ता देना और किसी की दिल आजारी नहीं हमने करनी काम करने में। और पहले आर्डर उठा के जा रहे हैं और उम्मीद करता है कि जितने भी मेरे भाई काम करें ना, सबको ऐसे रोजगार मिले और ऐसे काम मिलता रहे। सबके लिए दुआएं। थैंक यू सो मच बॉय। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होप डूइंग वेल। तो सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर 2024 का ही पहली वीडियो। और आज जो शगल शुरू होने वाला ना पूरी आवाम का, पाकिस्तान ज़्यादातर पाकिस्तान में और इंडिया में, वो ये होगा कि जानू टुडे फर्स्ट सेल्फी, जानू टुडे फर्स्ट ब्रेकफास्ट, जानू टुडे फर्स्ट लंच, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला चक्कर होगा जनाब पहला पूरा दिन जनाब पहला, क्योंकि साल के पहला दिन और सारे गए कि हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर, नवा साल मुबारक हो, पता नहीं कौन कौन सी फोटोज वीडियोज वट एवर दे लाइक टू डू दैट। तो हम भी जनाब पहला ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुँच आए 2024 का, और इस वक्त हांगकॉन्ग में 10:30 बज रहे हैं, आज आधा घंटा लेट है। वैसे हम मैं जनाब अल्लाह नाश्ते के लेकर मैं छुट्टी हूँ ना, तो 10 से पहले पहले नाश्ता कर लेता हूँ। आज थोड़ी आँख लेट खुली है और अभी पहुँच आए जनाब फेयर वुड पर, और देखते हैं जगह जगह मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर पहले जगह जो है ग्रैब करनी पड़ती है, काबू करनी पड़ती है, अगर ना मिले तो फिर बड़ा मसला बनता है। तो लेट्स सी। तो ये सारे लोग जितने भी आपको नजर आ रहे हैं 2024 का ब्रेकफास्ट इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, जस्ट किलिंग किडिंग यार, और देखते हैं मेरे जगह कहीं मिलती है कि नहीं मिलती, लेट्स सी फर्स्ट। तो यहाँ उस टेबल पर हमें जगह मिल गई अल्लाह अल्लाह करके, आवाम सारी जहाँ पर पैक है सारी तरफ। अगर रेस्टोरेंट हो ना दूसरा, तो वहाँ पर तो बारी लगती है कि बार किस बारी, किस बारी पर कौन आएगा, और सारे टेबल बुक होते हैं पहले ही। लेकिन ये एक पब्लिक स्पेस आप तो कह सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ही जगह ढूंढनी है अपनी हिम्मत के साथ। तो यहाँ पर लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, सरकार देख लो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, और हमारा भी इंतजार हो रहा है। पहले तो होता था कि यहाँ पर पर्ची दे देते थे, बना देते थे, लेकिन अभी नंबर आते हैं, नंबर वाइज वो काम कर रहे हैं। तो यार ये ब्रेकफास्ट हमें बड़ी तवील जंग के बाद मिला है, अंदाज़ा कर लो इतनी ज़्यादा वाम खड़ी और नंबर की बारी आ ही नहीं रही हमारी। मेरा नंबर था 1500 और तकरीबन 20-30 नंबरों के बाद हमारी बारी आई है, और काफ़ी टाइम बाद आया था 10:30 बजे, और 10 तकरीबन 11 बजने वाले था ना ब्रेकफास्ट मिला है। तो दोस्तों तैयारी शुरू हो चुकी है काम के लिए, और आज 2024 की पहली दिहाड़ी और 2024 का पहला आर्डर मारने के लिए जा रहे हैं, और देखते हैं क्या सीन बनता है। चलो फिर लॉन्च चल के होती है। हाँ दोस्तों, तो सरकार मैकडोनल्ड पर हमारा आर्डर आ चुका है, पहला आर्डर उठाने के लिए हम जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कितनी देर लगती है, और दुआ करें कि जल्दी मिल जाए आर्डर यार। पहला आर्डर है 2024 का, और वो बड़ी पाकिस्तान में पहेलियाँ शेलियाँ बना बचाते हैं कि पहले दिन जहाँ पहले जल्दी उठो, हंस हंस के वक्त गुजारो, पूरा सारे दिन मिलेगा। ये पता ही नहीं है कि पहले दिन हंस लोगे तो दूसरे दिन जहाँ पहला लड़ाई लगी हो, ये पता ही नहीं है। लेकिन चले अल्लाह पाक खैर करेगा, और चलते हैं अंदर देखते हैं क्या सीन है, मिलता कितनी देर में आर्डर, और चल कर उठाते हैं सरकार। यार आप लोगों को भी नया साल मुबारक हो, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं ज़्यादा पता नहीं, पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी आप लोगों को लगी हुई, सही है ना? ठीक है फिर चलते हैं यार, मैं ऑर्डर उठा लूँ अपना, बाद में बात हो आप लोगों से। माशाल्लाह हमारा पहला ऑर्डर रेडी है, पहला ऑर्डर सरकार हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह, ये हमारा पहला ऑर्डर है जी नए साल का। यार मैं जैसे वीडियो के क्लिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अचानक से नंबर आगे पूछे, नंबर कौन सा, पता नहीं कितनी बार नंबर मुझे बताना पड़ेगा, समझ नहीं आ रही। आवाम को भी देख लो सरकार जोरों शोरों से ऑर्डर बनाई जा रही है, लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, कसम से सलाम है इनकी जरूरत को जनाब, जैसे ये काम कर रहे हैं जनाब अला। साल के पहले दिन अगलों ने एक ऑर्डर नहीं बल्कि तीन तीन ऑर्डर में दिए हैं कि आप इंजॉय करें, मुझे मारें सरकार, आप परेशान ना हो, आपको परेशान हम देख नहीं सकते। तो देख लो सरकार के साल के पहले दिन जनाब अला हमारे पहले ऑर्डर जनाब अला कितने जल्दी में मिल गए हैं माशाल्लाह, की बात सरकार। इंजॉय और चिल करें सरकार, खुशियाँ मनाएं, और हमें भी अपनी खुशियों में याद रखें, दुआ में याद रखें, सही है ना?
हाँ जी दोस्तों, तो सरकार आर्डर लटकाए हुए हैं और ये शहजादा बब्बर शेर चीता मुझे मिल गया। मैंने कहा मेरी वीडियो बनाओ, आवाम को पता चले कि हमने साल के पहले दिन के पहले आर्डर कैसे उठा कर जा रहे हैं। और थोड़े जहाँ साइड पर हो जाए जनाब, क्योंकि आवाम भी आ रही है रस्ते में और इनको भी हमने रास्ता देना और किसी की दिल आजारी नहीं हमने करनी काम के अंदर और पहले आर्डर उठा के जा रहे हैं। और उम्मीद करता है कि जितने भी मेरे भाई काम करें ना, सबको ऐसे रोजगार मिले और ऐसे काम मिलता रहे। सबके लिए दुआएं। थैंक यू सो मच बॉय। तो सरकार, हम अपनी आइकॉनिक रोड पर पहुंच चुके हैं, काउयुक रोड पर, जहां पर हमारा परेशान चौक भी है। लेकिन आज किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज नया साल है और नए साल में आज ज़बरदस्त किस्म के आर्डर आ रहे हैं। और पांडा वाले आज बहुत ज़्यादा रिच हुए हैं और पैसे भी ठीक ठाक करके दे रहे हैं आपको। आपको राइडर भी कोई भी खड़ा नहीं आएगा। शहजादे ओए, वहाँ जी देखो, वहाँ जनाब अल्लाह इंजॉय कर रही है 2024 को। और इस तरफ है जनाब अल्लाह हमारा हांगकांग प्यारा सा, इसको भी हैप्पी न्यू ईयर। और इस तरफ है जी हमारा चाइना और बड़ा भाई हांगकांग का, उसको भी हैप्पी न्यू ईयर। और बाकी जो रोड पर आवाम आपको नज़र आ रही है, उन सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। सही है। तो ये आर्डर मैंने उठाया हुआ है सरकार, एक मैं देकर आ गया हूँ और दूसरा वहाँ उन लॉन्गपिंग स्टेट के अंदर जो पहले आर्डर मैं देकर आया, जहाँ से पहले मैंने सबसे पहली डिलीवरी उठाई थी ना, वहाँ पर चल कर मैंने देना है। चले चलते हैं फिर यार। तो यहाँ पर आपको पूरी चहल पहल नज़र आ रही होगी। और मज़े की बात है कि हांगकांग में आज लास्ट हॉलीडे है, इस नए साल के पहले दिन छुट्टी है। क्योंकि हांगकांग में ये होता है कि पहली तारीख को भी छुट्टी और दूसरी तारीख को भी छुट्टी है, लेकिन इस दफ़ा साल मंडे को है और संडे को 31st December था, तो इस वजह से दो ही छुट्टियाँ मनाई गई हैं, तीन नहीं मनाई गई। अदरवाइज़ तीन भी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि सिर्फ दो ही छुट्टियाँ इंजॉय करते हैं और ट्यूज़डे वाले दिन वापस काम पर चलते हैं। ये वाला सीन है। साल के पहले दिन ही छोटा सा मसला बांध गया। मसला ये बना कि मेरे पास है कस्टमर का आर्डर। अभी कस्टमर को कॉल की है कि भाई साहब आपका आर्डर मैं लेकर आ गया हूँ, आपकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, क्या आपकी यही बिल्डिंग है? उसने बोला कि भाई साहब मुझे बहन जी बोल दी कि भाई साहब मुझे आर्डर नहीं चाहिए, मैंने 2 घंटे पहले आर्डर किया था और आपकी कंपनी ने मुझे आर्डर लेट दिया। और मुझे एग्जैक्टली लाइक 10 मिनट अगो जब मैं लास्ट आर्डर आप किया ना, उसके बाद ये मुझे आर्डर मिला। 2 मिले, एक मैंने दे दिया और दूसरा मैं देने के लिए आया हूँ। और जैसे ही यहाँ पर पहुंच जाऊँ सरकार, तो बाजी जी ने बोला कि भाई साहब मुझे आर्डर नहीं चाहिए। तो अभी मैंने कंपनी को रीच किया और वो बोल रहे हैं कि हम कस्टमर को कॉल करते हैं, देखो कितनी देर लगती है। और अभी टाइम भी डेट होने वाला है और स्पीक आवर भी खत्म होने वाले हैं। इन कम वक्तों ने मुझे अजाब में डाल दिया, किसी से कोई ना कोई चवल मारते ही मारते हैं पांडा वाले, कोई ना कोई इन्होंने तमाशा लगाना ही होता है किसी ना किसी ने। और साल के पहले दिन ही, और मेरा गलबन शायद सातवां या आठवां ऑर्डर है, और इसी पर उन्होंने मुझे जनाब अल्लाह को हाँ के रख दिया। चले अल्लाह पाक खैर करेगा, क्या हो सकता है। अभी इंतजार करते हैं कस्टमर वाले के, सॉरी क्या नाम है उनका, जो दूसरे हैं पांडा वाले, उनका इंतजार कर रहा हूँ कि क्या बनता है मेरे लिए। तो देखते हैं क्या होता है अभी। चले नो प्रॉब्लम, मैं मेरा आर्डर हो गया कैंसिल और मुझे सैलरी की फी भी मिल गई है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो आर्डर अपना आर्डर कस्टमर की स्पॉट पर लेकर आ गया हूँ, उनको नहीं चाहिए तो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, इसे मेरा कसूर नहीं है। अगर कस्टमर को ऑर्डर नहीं चाहिए तो कस्टमर जनाब अल्लाह वो कैंसिल करवा सकता, लेकिन ये दोबारा कैश वाला आर्डर नहीं करा सकता। वो जो मेरा आर्डर कैंसिल हुआ था ना, तो मैंने काफ़ी सारे बंदों को अप्रोच किया कि भाई आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। सब ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। आखिर में एक बुड्ढी मुझे मिली, तो मैंने उसका भेजी आर्डर चाहिए, बोलती मुझे दे जाओ। तो फिर आखिरकार मैंने उसके दे दिया। अगर वो ना लेती, मैंने आर्डर फेंक देना था कहीं, लेकिन नुकसान हो जाना था, मुफ्त में खाना ज़ाया हो जाना था। मैंने कहा चलो यार कोई खा लेगा तो अच्छी बात है, इस वजह से मैंने कहा किसी को दे ही देते हैं, इस तरह हो जाता है। तो फिर दूसरा आर्डर मारा मेरा, मतलब मेरा मतलब है कि दोबारा उसी जगह से आया मैकडोनल्ड से, वहाँ पर चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी दोस्तों, तो सरकार बात कुछ यूँ है, टाइम हो रहा है अभी 4 का और मैं अपने फेवरेट ग्राउंड के अंदर आकर बैठ गया हूँ और मेरा टाइम हो गया सरकार मस्ता मस्त बिरयानी का। ये खोल दें जनाब अल्लाह, इसको खाते हैं और इंजॉय करते हैं सरकार, आपको भी दिखाते हैं एक मिनट। बल्ला हो सरकार हमारे बिरयानी बॉय बंगाली भैया का, जो हमें इतनी मज़े की बिरयानी बना बना के दे रहा है, साथ में अंडे दे रहा है जनाब अल्लाह, कई बात है। और चिकन पता नहीं किधर छुपा हुआ है, अंदर ही कहीं होगा, निकाल ले जाना, प्रॉब्लम है। सच बताऊं तो ये बिरयानी मेरे ख्याल में मैं आज कोई 7-8 माह बाद खा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया खाए हुए। और साथ में ये छोटा प्याज, इसके यार अपने नज़ारे हैं कसम से, कई बात है यार। और बिरयानी तो भाई मज़े की। तो जनाब असा सारे देखो, मेरा मतलब हम सब की तरफ से, जनाब जुनेद साहब, मेरा शहजादा ज़हीर अब्बास की तरफ से, सब की तरफ से जनाब अल्लाह हैप्पी न्यू ईयर और नवे साल दी मुबारक सारे। शहजादे बब्बर शेर जी जिंदे बसते रहो।
जनाब अला सुबह से शाम पड़ गई है और ये है शाम आज 2024 की और मेरा एक आर्डर रेडी हो चुका है और दूसरे का इंतजार फरमा रहा हूँ। देखते हैं कितनी देर के लगाते हैं और इस वक्त टाइम भी 6:30 बज चुके हैं और मेरी शिफ्ट भी है, जल्दी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह तकरीबन 8 बजे। पहले तो वैसे मैं तकरीबन 9 बजे तक काम करता हूँ, 8:30 तक करता हूँ, लेकिन आज मुझे 8 बजे तक काम करना छुट्टी कर देनी है क्योंकि सुबह दूसरे काम पर भी जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मेरे साल के पहले दिन का आज आखिरी ऑर्डर है, ये देकर मैं छुट्टी करूँगा। सरकार कस्टमर की बिल्डिंग के पास पहुँचने वाला हूँ, वो सामने बिल्डिंग रही कस्टमर की, वो थी सामने ये, सामने ये वाली जो सामने मेरे आ रही है ये वाली। तो अपनी साइकिल को खब्बे मोड़ते हैं, फिर सज्जे मोड़ते हैं, फिर कस्टमर के दरवाजे पर चलते हैं ऑर्डर देकर घर भागते हैं। यार टाइम बहुत हो गया क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी जाना था, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर बाद कुछ बताऊंगा। आए दोस्तों, तो मैं बात ये करने वाला था उस वक्त जब मैं ऑर्डर आखिरी देने वाला था, मैं कहना चाह रहा था कि मुझे अभी पता है कौन सी फीलिंग आ रही है, जिस तरह हम स्कूल में छुट्टियाँ ख़त्म होती थी ना कि यार सुबह स्कूल जाना है, फिर वही उस्ताद, फिर वही किताबें, फिर वही अब सब कुछ वही करना पड़ेगा। तो फिर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि भाई सब सुबह वही काम और वही सिस्टम, वही सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर उसी काम पर वापस जाएंगे। कल कितना खुश था मैं, यार आज भी छुट्टी होगी, इंजॉय करेंगे, सुकून करेंगे, सुकून के साथ काम करेंगे, लेकिन सुबह उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी बड़ी तकलीफ होती है कसम से। तो पर चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। और आखिर में आप सबसे मैं एक दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप दुआ करें कि 2024 फलस्तीनियों के लिए, हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उन पर जो मुजालम डाए जा रहे हैं उन पर अल्लाह पाक अपना रहम करे और मुसलमानों की यकजा करे और हम सब पर अपना रहम करे और हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अदा फरमाए और हमको सीधा साधा एक सच्चा मुसलमान बनाए और हमारे मुल्क पर अपना कर्म फरमाए। और मेरी एक दुआ है और रिक्वेस्ट आप लोगों से, मेरी दुआ करें कि ये मैं जो YouTube कर रहा हूँ ये मेरे लिए जरिए माश बन जाए, मेरा मतलब है कि ये मेरे लिए एक मेरा पैशन बन जाए, मेरी जॉब बन जाए, पक्का मैं काम यही करूँ। मेरे जब दुआ तो कर सकते हैं तो इतना मेरे लिए कर सकते हैं। और आपने अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक साथ साथ कर दें, जितने भी लाइक्स हो गए मेरे लिए उतना मेरे लिए अच्छा हो गया, मेरा चैनल उतना ग्रो करेगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं वो शेयर कर सकते हैं तो कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। फिर आज की वीडियो पर यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब करे, हमेशा दुआ में याद रखें और मोहम्मद ब्लैक क्लाउड को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम।